हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द एचपी टीजीटी कमीशन का नोटिफिकेशन आने वाला है, और जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही 2 से 3 महीने में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। और पॉइंट की बात यह है कि 2 से 3 महीने के अंदर इस पेपर की तैयारी नहीं की जा सकती, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने तक का इंतजार कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आने के बाद इस पेपर की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया होगा। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल जो है इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एज लिमिट होगी, और यहां पर क्या सिविल स्टाफ हिमाचल जो अपना नया बैच लेके आ रहा है, दैट इज बैच 8 फॉर द एचपी टीजीटी कमीशन, इसके अंदर क्या टाइम टेबल रहने वाला है, क्या फीचर रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल के बैच 8 की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ पहले बाकी सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच 8 है ये 17 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, और ये बैच 8 है 2023 का हमारा एचपी टीजीटी कमीशन का। 7 बैचेस इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, दिस इज आर बैच 8, दैट इज ऑफ एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल। अब बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मेडिकल किया हुआ है कम से कम 50% नंबर के साथ, और इसके साथ साथ कम से कम 1 साल का बीएड किया हुआ है, कम से कम 1 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, 2 साल की बीएड वाले भी एलिजिबल है, 1 साल की बीएड वाले भी एलिजिबल है, तो आप यहां पर एलिजिबल है। बट इसके साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, यानी कि एचपी टेट मेडिकल वाला आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी टेट जो कि 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, ये पेपर आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट की। तो मिनिमम यहां पर एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। तो कम से कम 18 वर्ष जिनकी आयु है और अधिकतम 45 वर्ष जिनकी आयु है वो एलिजिबल है। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहां पर मिल सकता है एचपी टीजीटी कमीशन में अप्लाई करते हुए। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास एग्जाम रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। कोई भी इंटरव्यू यहां पर अभी तक गिवन नहीं है कि टीजीटी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं यहां पर पेपर पैटर्न की। तो देखिए, पेपर पैटर्न में पहले हमारे पास जब एचपी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो एक ही पेपर होता था, 200 प्रश्न पूछे जाते थे। बट अब पेपर जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली 2 पेपर कंडक्ट होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपके 100 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, और 30 सवाल एचपी जीके के, 30 सवाल जीके के, 20 सवाल अंग्रेजी के, इंग्लिश के, 20 सवाल हिंदी के, टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। इस पेपर के बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो रहेगा ये सब्जेक्ट वाइज पेपर रहेगा, इसमें भी एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। बट इसमें ये सब्जेक्ट वाइज पेपर है, तो मेडिकल के सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो पैडागोजी इसमें पूछी जाती है। बट किसके कितने सवाल पूछे जाएंगे, वेटेज क्या है, ये यहां गिवन नहीं है। टीजीटी मेडिकल के अंदर सबसे बड़ी वेटेज जो है यहां पर बायोलॉजी की होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोर देन 50 क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी से ही आएंगे, और लगभग 30-40 सवाल जो है केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम सीडीपी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि यहां पर आएंगे पेपर 2 वाले पार्ट में से। तो ये यहां पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पेपर पैटर्न रहने वाला है, पेपर में इस सब्जेक्ट के सवाल आने वाले हैं। अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, और सिविल स्टाफ का ये जो कोर्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला है, चाहे वो एचपी जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, प्रॉपर जीके हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या सीडीपी हो। तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है, और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली 5 क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है, स्टडी नोट साथ में मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको साथ में मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशन होता है सैटरडे और संडे को, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके आपको बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन अप्रोच क्या रहती है।
तो यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से आप अच्छे लेवल पे टीजीटी की तैयारी जो है वो कर सकते हो। और ये जो कोर्स है 17 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है, 17 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है। 17 जुलाई को सुबह 10 बजे आपका पहला क्लास होगा और आपको बायोलॉजी के दिन में दो लेक्चर दिए जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, सीडीपी का एक लेक्चर मिलेगा, हिंदी का एक लेक्चर मिलेगा। तो टोटल स्टार्टिंग में 5 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे आपके अगले सब्जेक्ट शुरू होते रहेंगे, जैसे कि बायोलॉजी कंप्लीट होगा हिस्ट्री शुरू होगा, केमिस्ट्री कंप्लीट होगा एचपी जीके शुरू होगा, सीडीपी कंप्लीट होगा इकोनॉमी शुरू होगी, इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी कराई जाएगी, उसी बाद हिंदी के बाद आपको पॉलिटी कराई जाएगी, फिर अंग्रेजी कराई जाएगी। तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके आपको कवर किए रहेंगे, पढ़ाए जाएंगे। ये है टाइम टेबल बैच 8 का यहाँ पर जो रहने वाला है, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डेली के 5 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो इस टाइम टेबल के अप्रोच के साथ आप 3 महीने के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे लेवल से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। 17 जुलाई को ये कोर्स जो है शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस बैच के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर रिवीजन जो है वो कराई जाएगी। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 3 महीने का है, बट आपके पास ये क्लासेस का एक्सेस, ये नोट्स का एक्सेस, ये टेस्ट का एक्सेस रहेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके पास एक्सेस रहने वाला है। और इस कोर्स की दोस्तों फीस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 6000 रुपीज, मात्र 6000 रुपीज की फीस रहने वाली है कंप्लीट कोर्स की। और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए जितने भी टीचर्स इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, आप इन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा आपको डेमो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है वैसा ही लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। डेमो लेक्चर्स आप सभी टीचर्स का देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, देखिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में सिविल स्टाफ हिमाचल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सिविल स्टाफ हिमाचल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें साइन अप कर लेना है, यानी कि आईडी बना लेनी है। उसके बाद नीचे कोर्सेज या स्टोर का ऑप्शन दिया होगा, वहां पर क्लिक करना है, वहां पर चूज करना है टीचिंग एग्जाम, और वहां पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से बैच 8 ऑफ एचपीटीजीटी कमीशन मेडिकल, जो कि 17 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। और इस पे क्लिक करके आपको ऐड टू कार्ट करना है और देन प्रोसीड करना है, और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट कर देनी है। फिर सारा ये कोर्स आपका जो है आपको लाइब्रेरी पार्ट में दिखने लगेगा उसी एप्लीकेशन के अंदर, और वहीं से आप सारी क्लासेस जो है देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से ही। और बैच 8 जो है ये 17 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखिए, और फिर इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर। और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप या कॉल करके 8360004357 इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल आपका होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।